नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मुसलमान समुदाय का रमजान पाक महीना शनिवार से ही शुरू हो गया है। रमजान में मुसलमान समुदाय दिन भर रोजा रखते हैं और रात में मस्जिदों में एक विशेष नमाज तरावी की नमाज पढ़ी व कुरान सुना जाता है। कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन के बीच रमजान के पहले दिन मुसलमानों ने तरावीह की नमाज घरों पर ही अदा की। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जनता से भी घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की। रामपुर की टांडा तहसील के शहर काजी मौलाना जमील अहमद ने अपने घर में ही नमाज अदा करके लोगों के लिए एक मिसाल कायम की कि लोग अपने घरों पर ही तरावीह की नमाज किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए नमाज पढ़ी जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देखिए, रोजा अल्लाह की इबादत है, नमाज अल्लाह की इबादत है, तो अल्लाह के कहने के मुताबिक हम अदा करेंगे तो वह इबादत है, और जो अल्लाह रबूल के कहने मुताबिक कोई भी इबादत को अंजाम दे तो वह इबादत नहीं होगी, इबादत का ढांचा होगा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जैसे भीड़ का इकट्ठा होना और मुनासिब फासले को बरकरार न रखना, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करना, इन सभी बातों से बचना चाहिए। बेसर रामपुर से मुजासिम खान की खास रिपोर्ट। देखिए, रोजा अल्लाह की इबादत है, नमाज अल्लाह की इबादत है, तो अल्लाह के कहने के मुताबिक हम अदा करेंगे तो वही इबादत है, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहने के मुताबिक कोई भी इबादत अंजाम दें तो वो इबादत नहीं होगी, वो इबादत का ढांचा होगा। शरीयत जब कहती है कि जमात से नमाज पढ़ो तो जमात से पढ़ना अफजल है, और जब हालात का तकाजा मौजूदा ये है कि मिलना इस वक्त के लिहाज से एक नुकसानदेह बात है, और जो माहिरीन सेहत हैं वही कह रहे हैं कि समाजी फसला बरकरार रखा जाए तो सेहत से मुताबिक तदाबीर अख्तियार करना ज़रूरी है, उस पर अमल करना चाहिए, तो लिहाजा घरों पर नमाज पढ़ना यही हमारे लिए अफजल होगा। हाँ, मस्जिदें भी वीरान ना हों उसके लिए जो इंतजामिया ने कहा है कि 3-4 आदमी होने चाहिए, उनसे जमात होती रहे, वो भी मुनासिब फासले के साथ, तो इस तरह मस्जिदें भी आबाद रहेंगी और हमारे घर भी आबाद हो जाएंगे, बाकी लोग सारे के सारे घरों पर नमाज पढ़ें, यही उनके लिए बेहतर है। और इस मौके पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग परेशान हाल हैं। रूस के कमाने वाले थे, वो काफ़ी उनको परेशानी का सामना है, इसलिए इंतजामिया भी इंतजाम कर रही है उनके लिए खाने पीने का और गजाई सामान उनको दे रही है। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, शरीर जिम्मेदारी होती है, इंसानी जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे लोगों को देखें और उन तक इमदाद पहुँचाएँ। हमारे पड़ोस में, हमारे हल्के में कोई भी ऐसा आदमी ना रहे जो भूखा हो, प्यासा हो, परेशान हाल हो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, एक दूसरे को देखना और उसकी मदद करना। तीसरे, इस वक्त इंतजामिया जो कर रही है, उन्होंने बड़ी तगड़ो कर रखी है, सुबह से शाम तक वो फिर इसलिए कि बीमारी फैलने ना पाए और जो बीमारी मुबतला हो गए हैं वो शिफायाब हों, वो दौड़ भाग करते हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके साथ ताबुन करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो कि मौजूदा कवानीन के लिहाज से नाकाबिल कबूल हो, भीड़ों का इकट्ठा होना और समाजी फासले को बरकरार न रखना, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इंतजामिया का तआवुन करना चाहिए। इंतजामिया जो कुछ कर रही है वो हमारे ही तो भले के लिए कर रही है, इसलिए सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि वो लॉकडाउन का पूरा याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें और जो ज़ाहरी तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें।